हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी 2023 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी हुआ है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का, जहां बीएड वाले पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों में ही फॉर्म लगा सकते हैं और डीएलएड वाले केवल पीआरटी में ही फॉर्म भरेंगे। यहां पदों की संख्या 8500 बताई जा रही है। आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी, तो सारी चीजें हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो आर्मी स्कूल के बारे में जो है वो आप सभी ने सुना होगा। आर्मी एरिया में आर्मी स्कूल जो है वो चलाए जाते हैं और यहां पर वैकेंसी कब आती है, कब निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो मैं आप लोगों को पूरी सच्चाई जो है इस वीडियो में बताने वाली हूं आर्मी स्कूल की, कि आप लोग फॉर्म यहां भरें या ना भरें। तो ये जो है वो मेन इसकी वेबसाइट है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी अगर आपको यहां पर आना है तो एक जो है स्क्रीनिंग टेस्ट से होकर आपको गुजरना होता है, ठीक है, जो कि आपका हर साल जो है वो सितंबर अक्टूबर में हो जाता है। जिस तरीके से आप लोग सीटेट देकर जो एलिजिबल हो जाते हो किसी भी स्कूल में जहां पर पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी की वैकेंसी निकलती है और वहां पर सीटेट मांगा जाता है, तो आप लोग अप्लाई कर पाते हो। इसी तरीके से यहां पर एक स्कोर कार्ड होता है और जिस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है ये, इसको पार करके जो है वो आप लोग यहां एलिजिबल हो जाते हो। यहां जैसे ही वैकेंसी निकलती है आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पर जो है 8500 जो वैकेंसी बताई जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। अब जो ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका सितंबर 2023 यानी सितंबर अक्टूबर में आपका ये होता ही है, हर साल ही होता है, ठीक है, तो आपको जो है एक स्कोर कार्ड जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर जो है दोज वो अपियर इन द एग्जामिनेशन विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ, जो कि जिंदगी भर के लिए, यानी एक बार आप जो है टेस्ट दे लेते हैं, स्कोर कार्ड आपके हाथ में आ जाता है तो जिंदगी भर के लिए वैलिड हो जाता है। जब भी आर्मी स्कूल में वैकेंसी निकलेगी आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपका केवल एक इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू के बेस पर आप कहीं पर भी, मैं आप लोगों को अभी लिस्ट दिखाऊंगी, जैसे कि ये पूरी लिस्ट है आर्मी पब्लिक स्कूल की, तो जो कहीं पर भी आप लोगों को जो है जाना है, जहां जैसे ही वैकेंसी निकलती है आप लोग केवल इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाएं। यहां पर देखो एपीएस जैसलमेर, एपीएस जोधपुर, एपीएस नसीराबाद, इसी तरीके से जो है वो काफी आर्मी स्कूल जो है वो आपको दिखाई देंगे। कुल जो संख्या है यहां पर वह है 136, ठीक है, तो 136 है आर्मी पब्लिक स्कूल। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो क्या मांगी गई है, यहाँ पर पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 50% मार्क्स और बीएड चाहिए। टीजीटी के लिए 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में और बीएड, पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और इसके अलावा डीएलएड जो है वो आपका होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट विद बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई, यहाँ पर बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी में, यानी तीनों ही जगह बीएड जो है वो एलिजिबल है, पीजीटी में भी, टीजीटी में भी और पीआरटी में भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये लिखा है कि पीआरटी में जो है आपका 6 माह का पीडीपीईटी या ब्रिज कोर्स जो है वो आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद एज और एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल 40 साल तक जो है वो आपका एज, यहाँ पर फ्रेश जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने कभी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है पढ़ाने का, तो उनके लिए जो 40 साल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर 40 साल तक जो है वो फ्रेश कैंडिडेट और 57 साल तक जो है वो 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। सारी चीजें डिटेल में यहाँ पर जो है वो दी गई है, कब जो है वो आपका टेस्ट होगा। जैसे कि यहां देखिए रजिस्ट्रेशन जो है यानी अभी ओपन है, 10 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक जो है वो आपको चलने वाले हैं, आप रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा आपको 20 सितंबर को, एग्जाम आपका 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को हो जाएगा और ये हर साल होता है, ठीक है, हर साल होता है। रिजल्ट जो है वो आपका वो 23 अक्टूबर को आ जाएगा, यानी आपको जो है वो एक फाइनल स्कोर कार्ड जो है वो मिल जाएगा और जब भी आर्मी स्कूल में वैकेंसी निकलती है आप अप्लाई करें, इंटरव्यू के बेस पर आप लोगों को ले लेंगे। तो एक बार जो है वो आप सब्जेक्ट देख लें कि पीजीटी जो है यहाँ पर आप लोग मास्टर डिग्री किए होने चाहिए, जैसे इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश में, हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे पीजीटी हिंदी तो हिंदी या संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में आपने जो है वो हिंदी पढ़ी होनी चाहिए या आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो। इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका पढ़ा होना चाहिए पीजी लेवल पर। हिस्ट्री के लिए कर रहे हो तो हिस्ट्री में होना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए तो ज्योग्राफी में, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट हैं। पीजीटी बायोलॉजी में काफी ऑप्शन है, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, ये सारे जो है वो सब्जेक्ट रहेंगे और बॉटनी और जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए और बायोटेक्नोलॉजी के भी यहाँ पर जो है वो ब्रांच है, तो यहाँ सब्जेक्ट भी है। उसके बाद अकाउंटेंसी का है, बिजनेस स्टडीज का है, ठीक है।
फिर जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन जो है वो क्या मांगी गई है। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आप सभी को पता है, बीई, बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में, एमएससी आपने कर रखा हो अगर, या बीएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखा हो, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की डिमांड नहीं की जाती है, लिखा है कि बीएड इज नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, जैसे केवी में होता है। क्वालिफिकेशन जो है, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दी थी, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन कहा है कि संस्कृत और हिंदी तीनों साल आपने पढ़ी हो ग्रेजुएशन में, इंग्लिश जो है वह भी आपने तीनों साल पढ़ी हो ग्रेजुएशन में, एसएसटी में कहा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इसमें से जो है वो आपने दो सब्जेक्ट पढ़े हो जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी मस्ट है। मैथमेटिक्स के लिए इन्होंने कहा है कि दो सब्जेक्ट आपके होने चाहिए बैचलर में, मैथमेटिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। साइंस के लिए कहा है इन्होंने कि इनमें से दो सब्जेक्ट आपने बैचलर डिग्री में होने चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वो बीसीए या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए और साथ में आपका जो है एक डिप्लोमा होना चाहिए। बीएड जो है यहाँ पर सभी में मांगा गया है, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस में इन्होंने नहीं मांगा है। फिजिकल एजुकेशन के लिए आप लोगों के पास जो है होना चाहिए बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, और साथ में जो है मांगा गया है बीपीएड, ठीक है, जो कि 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए। पीआरटी के लिए जो कि 1 to 5 के टीचर के लिए हैं, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होल्डिंग बैचलर डिग्री, पीआरटी के लिए 12th नहीं मांगा है, यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है, और आपने जो है वो बीएलएड या 2 ईयर का डीएलएड किया होना चाहिए। तो यदि कोई स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भरना चाहता है तो मैंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बाकी सारी सच्चाई बताना मेरा काम है, और इसके बारे में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि ये केवल एक स्कोर कार्ड होता है जीवन भर के लिए, जहाँ आप आर्मी स्कूल में अप्लाई कर सकते हो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपने जो है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया, अब आप जो है यहाँ टीचर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो है वो आप लोग जैसे कि सीटेट आपने दे दिया तो सीटेट के बाद आप टीचर डायरेक्ट नहीं बनते हो, ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो एग्जाम फाइट करना पड़ता है और फिर आप टीचर बनते हो। इसी तरीके से यहाँ पर सीटेट जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये फायदा रहता है कि ऑल इंडिया कहीं पर भी सीटेट की डिमांड होती है वहां पर आप अप्लाई करते हो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए। बट यहां पर अगर आपने एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो पास कर लिया तो आप केवल आर्मी स्कूल के लिए ही एलिजिबल हो और कहीं के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होते हो। ये इसकी एक सच्चाई है जो कि कहीं जो है कहीं ना कहीं मुझे जो है वो सही नहीं लगती है, क्योंकि यहां पर अगर कोई स्टूडेंट फ्रेशर है और वह एक्सपीरियंस लेना चाहता है, नॉलेज गेन करना चाहता है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उससे जो है रूबरू होना चाहता है, तो उसके लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि एक तो यहाँ पर जॉब जो है वो आपकी सेफ नहीं है, 1 साल आप जॉब कर लेते हैं उसका नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको रखा जाएगा या नहीं ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। केंद्रीय विद्यालय में जो है ये गारंटी रहती है, आपका वर्क अच्छा रहता है, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हों, नेक्स्ट ईयर फिर आप लोगों को वहीं पर रख लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आर्मी स्कूल में ऐसा नहीं होता है, 1 साल आपने वर्क कर लिया, आपको क्यों हटाया गया इसका कारण भी आप लोगों को जानने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर वही स्टूडेंट जो है यहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ 1 साल के बाद अगर ऐसा सोचें कि आपके नेक्स्ट ईयर भी जॉब रहेगी, ऐसा कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो एक 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 एक्सपीरियंस जो है वो आप ले सकते हो यहाँ पर। बाकी कुछ टाइम के लिए आप जॉब करना चाहो तो जॉब कर सकते हो, लाइफ टाइम जो है वो अगर आपने ऐसा सोच लिया है कि यहाँ पर जॉब जो है वो आप कर पाओगे तो ऐसी कंडीशन जो है वो यहाँ पर नहीं बन पाती है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करना चाहता है तो इसकी जो मेन जो वेबसाइट है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, तो यहाँ पर जो है आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल सितंबर, इस पर जो है रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यदि आपको करना है, ये देखिए पूरे स्टेप जो हैं, पूरी गाइडलाइन रजिस्ट्रेशन की वो आपकी यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर जो है आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, फोटो अपलोड एंड वेरिफिकेशन, पेमेंट, यहाँ पर जो पेमेंट है यानी आपका जो यहाँ पर कितना फॉर्म जो है फीस लगती है, तो अब तक जो है 500 लग रही थी लेकिन अब सुना है कि 500 से जो है वो कम यहाँ लगेगी, ठीक है। तो सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी क्योंकि सच्चाई जो है वो बताना मेरे लिए जरूरी है कि आप लोग सच्चाई जाने। थैंक यू।